अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू स्टोरीज चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत अरसा पहले की बात है कि मिस्र में एक बहुत खूबसूरत शहजादी रहती थी, जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत तोता था। शहजादी ये तोता शिकार करते वक्त हिंदुस्तान के जंगल से पकड़ कर लाई थी। तोता बहुत प्यारी बातें करता था और शहजादी को तोता बहुत अजीज था। एक मर्तबा शहजादी को किसी गर्ज से हिंदुस्तान जाना पड़ा। सफर पर जाने से पहले वो तोते के पिंजरे के पास गई और तोते से कहने लगी, प्यारे तोते, मैं तुम्हारे वतन हिंदुस्तान जा रही हूँ। वहां मेरा गुजर उसी जंगल से होगा जहाँ तुम्हारे साथी रहते हैं। अगर तुम इन्हें कोई पैगाम देना चाहते हो तो बता दो। तोते ने कहा, प्यारी शहजादी, आप मेरे दोस्तों से सिर्फ इतना कहना कि वो तो बड़े मज़े से जंगल में रहते हैं और आज़ाद फ़जाओं में सांस ले रहे हैं, मगर मैं बदनसीब वतन से दूर इस पिंजरे में कैद इनसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। जब शहजादी हिंदुस्तान पहुंची और इसका गुजर उसी जंगल से हुआ जहाँ तोते के दोस्त रहते थे, जंगल में बहुत से खूबसूरत तोते दरख्तों पर बैठे हुए थे। इन्हें देखकर शहजादी को अपने तोते का पैगाम याद आ गया और शहजादी ने बुलंद आवाज में इन्हें वो पैगाम सुना दिया। जैसे ही शहजादी ने अपनी बात ख़त्म की, एक तोते की हालत खराब हो गई और वो बुरी तरह थरथराने लगा और दरख्त की शाख से गिरा और अल्लाह को प्यारा हो गया। ये देखकर शहजादी को बहुत अफसोस हुआ। इसने सोचा, शायद ये मेरे तोते का करीबी रिश्तेदार था जो इसका दर्दनाक पैगाम सुनते ही चल बसा। जब शहजादी अपने वतन पहुंची तो इसने अपने तोते को इसके रिश्तेदार की मौत का हाल सुनाया। शहजादी की बात सुनते ही तोता अचानक थरथराने लगा और पिंजरे में गिरा तड़पने लगा। थोड़ी देर बाद तोते की आंखें पथरा गईं और जिस्म बेजान हो गया। शहजादी अपने प्यारे तोते की मौत पर बहुत गमजदा हुई और इसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल कर जमीन पर डाल दिया। जैसे ही शहजादी ने तोते को जमीन पर डाला, तोता उड़ा और करीबी दरख्त की शाख पर जा बैठा। ये देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी तोते से कहने लगी, ऐ बेवफा, मैंने तुझे इतना अजीज रखा मगर तूने मुझे धोखा दिया। तोते ने ये सुनकर बोला, ऐ नादान शहजादी, तुमने मुझे इसलिए अजीज रखा कि मैं तुम्हारी तारीफें करता था और तुमसे अच्छी अच्छी बातें करता था। शहजादी, तुमने मुझे वो तरकीब बताई जो मेरे दोस्त ने मेरे लिए भेजी थी। मैंने इस तरकीब पर अमल किया और इसी की तरह मुर्दा बन गया तो तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब तुम खुद बताओ, जब तुमने सब कुछ अपने हाथों से किया है तो अब मुझे बुरा और बेवफा क्यों कर कहती हो। ये कहते हुए तोते ने शहजादी को अलविदा कहा और गुनगुनाता हुआ अपने वतन लौट गया। दोस्तों, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान को जहां भर की नेमतें मिल जाएं मगर वो आज़ाद ना हो तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आज़ाद वतन में पैदा हुए हैं। हमें अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करना चाहिए और इसे साफ रखना हम सबका अव्वलीन फर्ज है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लेकर दोबारा हाजिर खिदमत हों।